100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170, 9560464170। कुशीनगर मंडल के संत निरंकारी मिशन की तरफ से लगातार 19वें दिन प्रवासियों को 800 पैकेट भोजन सहित पानी, मास्क, सैनिटाइजर वितरित किया गया। मौके पर संत निरंकारी मंडल के जोनल इंचार्ज कमलेश मणि त्रिपाठी ने कहा कि कोरोना महामारी में संत निरंकारी मंडल द्वारा पिछले 19 दिनों से NH28 पर अनवरत सेवाएं जारी हैं। हर प्रवासी को भोजन, पानी, मास्क बांटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा, अब पैदल, साइकिल, रिक्शा, ट्रकों से आना बहुत कम हो गया है। लॉकडाउन का चौथा चरण भी खत्म हो रहा है, इसलिए मिशन की तरफ से अब खाना खिलाने का कार्यक्रम बंद किया जा रहा है। हालांकि जैसी जरूरत होगी संत निरंकारी मंडल लोगों का सहयोग करता रहेगा। आज इसलिए समापन दिवस आज किया गया है कि जो आने जाने वाले लोग थे वो कम दिखाई दे रहे हैं, और 13 तारीख से जैसे चल रहा था तो पैदल और साइकिलों से और रिक्शा से, टेम्पू से तो बहुत ज्यादा प्रवासी आ रहे थे, तो जिनके लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी। और लगातार 13 तारीख से आज 31 तारीख है, 31 तारीख तक लगातार चला, और 2 दिन से कुछ कम प्रवासी दिखाई दे रहे थे जो बसों में, क्योंकि सरकार के द्वारा बसों की व्यवस्था कर दी गई है, बसों में आ जा रहे हैं हम, और कल से लगभग कम लोग दिखाई दे रहे थे। पहले तो 2000-1500 के लगभग चलता था, लेकिन अभी 2-3 दिन से 700-800 प्रवासियों का ही भोजन वितरण हो पा रहा था। इसलिए अब लॉकडाउन भी देखें तो कहीं ना कहीं आज 31 तारीख जो लॉकडाउन है वो खत्म हो रहा है, कल से अनलॉक हो गया है, तो व्यवस्था कम नजर आ रही है। ये सतगुरु माता जी की कृपा से तो ये सारी व्यवस्था की गई थी, तो अब वो इसको आज समापन दिवस किया जा रहा है।